बिहार का पूर्णिया जिला और पूर्णिया जिला का बनमनखी। आपको बता दें कि बनमनखी जब प्रखंड था तो यहाँ व्यापार का बहुत बड़ा बाजार था, यहाँ लोग खुशहाल थे, गांव के किसान भी, क्योंकि बनमनखी में एशिया का बेहद महत्वपूर्ण चीनी मिल था, तो वहीं व्यापारियों का केंद्र भी, क्योंकि किसान खूब खेती करते थे और बनमनखी के व्यापारी उन्हें बड़े बाजारों तक भी भेजता था, अच्छी लागत और अच्छी मूल्य भी मिलता था, इन सब से खुशहाल था बनमनखी प्रखंड। लेकिन अनुमंडल का सफर तय करते करते बनमनखी का पूरा रूप रंग सब बदल गया, बड़ी लाइन आ गई। बनमनखी में जहां एक छोटा अस्पताल हुआ करता था वह बड़े अस्पताल का रूप ले लिया। आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। बड़े अस्पताल की बड़ी बड़ी बातें, यहां स्मार्ट लेबर रूम बनाया गया, पानी पेयजल से लेकर एक्सरे की मशीनें लाई गई, बाइक एम्बुलेंस भी दिया गया, एम्बुलेंस के साथ साथ तमाम सुख सुविधाएं भी दी गई। लेकिन यह क्या, जितना बड़ा अस्पताल उतनी ही खामियां। अक्सर यह विवादों में रही, कभी अस्पताल के चिकित्सकों के कारण, कभी मरीजों के रखरखाव और कभी यहां सुविधाओं को लेकर। पिछले दिनों चमड़े का मुंह को लेकर यहां के सीएस यानी सिविल सर्जन के द्वारा जब बयान दिया गया तो खूब विवाद हुआ, विवाद लाजमी भी था। समस्या बताने के लिए जब समिति सदस्य गए तो उन्हें कह दिया गया कि खुद को खमालिए और जो आप कह रहे हैं उसे वापस ले लीजिए। बात बढ़ी तो दूर तक गई, सड़कों पर भी हंगामा हुआ, धरना प्रदर्शन हुआ, पुतला का दहन भी हुआ। लेकिन आज हम एक बार फिर से आपसे रूबरू हो रहे हैं बताने के लिए कि आखिर बनमनखी अस्पताल अभाव से कब दूर होगा। बनमनखी अस्पताल में सांसद फंड से हाई मास्ट लाइट लगाई गई थी, बड़े ही राशि खर्च की गई थी, लेकिन वो अब शोभा की वस्तु है। शाम ढलते ही बनमनखी अनुमंडलीय अस्पताल अंधकार में हो जाता है। आपको बता दें कि पूर्णिया सांसद संतोष कुशवाहा जी के द्वारा बनमनखी संसदीय क्षेत्र में हाई मास्ट लाइट का दिया गया है, 16 मीटर की ऊंचाई वाला एलईडी लाइट वाला लाइट दिया गया है, लेकिन यहाँ पर वर्षों से अंधकार है, लाइट नहीं जल रहा है। यहाँ के कुछ समाजसेवी है, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं। हमारे साथ एक समाजसेवी रविंद्र कुमार जी है, आइए उनसे हम जानते हैं क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। ये अनुमंडलीय अस्पताल बनमनखी का दुर्दशा ठीक नहीं है। अनुमंडलीय अस्पताल जो हाई मास्ट लाइट लगाया गया है वो संसद महोदय द्वारा 16 मीटर का है लंबाई, वो आज तक शुरू में का दिन चला हो या ना चला हो तब से खड़ा भी है। जब पूरा हॉस्पिटल अंधकार में हो जाता है तो बनमनखी में अभी नशेड़ियों का बड़ा जोर शोर से चल रहा है, तो नशेड़ी सुरक्षित जगह खोजता है, तो लाइट नहीं रहने वाला पूरा अस्पताल अंधकार में रहता है, सभी नशेड़ी वहीं जाके अपना अड्डाबाजी करते हैं। ऐसे में मरीजों को क्या परेशानी होती होगी? अब यही मैं जानना चाहता हूँ अस्पताल प्रबंधन और बनमनखी प्रशासन से, जब अस्पताल में लाइट ही नहीं रहती है तो वहाँ जो रात्रि में पेशेंट आते हैं उनको क्या बीड़ी जला के देखते हैं? ये अनुमंडल प्रशासन या अस्पताल प्रशासन की लापरवाही ही कहा जाए, जो ये लाइट सदियों से कई वर्षों से खराब ही चल रहे हैं, जिसके कारण है कि वहाँ नशेड़ियों का अड्डा है। वही अक्सर सुनते होंगे छीन झपट्टा भी हो गया, पकेटमारी भी हो गया, चक्कूबाजी भी हो गया, वही अंधेरा का ही कारण है। तो सरकार द्वारा इतनी कीमती लाइट लगाई गई हो जिसका दुरुपयोग हो रहा है, ये तो बड़ी लानत की बात है। अच्छा, ये लाइट आप कितने वर्षों से देख रहे हैं कि ये बंद पड़ा हुआ है? मैंने जब से देखे कुछ दिन जला है, इसके बाद जब से देख रहे हैं तब से बंद ही पड़ा हुआ है। आखिर किसकी कमी है ये? ये तो अस्पताल प्रबंधन की कमी है, अस्पताल प्रबंधक की कमी है। जो अस्पताल मैनेजर कहते हैं वो अस्पताल मैनेजर सीट लूटने खसोटने के लिए बैठा है ना। आज जो विवाद चल रही है हॉस्पिटल प्रबंधन की लापरवाही या मनमानी चरम सीमा को पार कर गया और उच्च पद वाले के छत्रछाया होने का ध्वस देकर के पिछले 5 वर्षों से कोरल और स्पंज की तरह एक ही जगह जमे हुए हैं और सारा हॉस्पिटल को तो सोध ही लिए हैं, ये लाइट को भी खत्म करके। अस्पताल प्रबंधन का, अस्पताल प्रबंधन का मतलब क्या होता है? अस्पताल की मैनेजमेंट ही करना, क्या उसमें चापाकल आ जाता है, लाइट आ जाता है, ये सबको ठीक करना नहीं है। ये सब बंदर बांट करने के चक्कर में सब लूट खसोट करने का ही एक अड्डा बना लिया है, बस यहाँ के आम जनता या गरीब रोगी से कोई लेना देना इसका नहीं रह गया है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि अनुमंडल अस्पताल को लेकर लगातार आवाज़ें उठने लगी है और इसकी व्यवस्था को देखते हुए लगातार लोग आंदोलन भी कर रहे हैं। हाई मास्ट लाइट अस्पताल में बंद पड़ी, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप?
इस पे यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पे अनुमंडल अस्पताल इतनी बड़ी अस्पताल है, यहाँ 3 जिलों से घिरा हुआ बीच में एक अस्पताल है जिसमें बहुत दूर दूर से रोगी सब अपना इलाज कराने आते हैं। अधिकतर रोगी शाम में ही रात में ही किन्हीं को ज़रूरत हो गया तो वो आते हैं, लेकिन अंधेरा के कारण वो अपना फ्लैश लाइट जला करके आते हैं जिनसे रोगी को इतना दिक्कत होता है। गड्ढे में कितने रोगी गिर जाते हैं, कितना टोटो उलट जाता है अंधेरा के कारण। इन पे जो है ना यहाँ के अस्पताल प्रबंधक जो है इनको ध्यान देना चाहिए। सांसद महोदय कुछ वर्षों पहले यहाँ पे लाइट तो लगा दिए हैं, लेकिन कुछ दिन चला उसके बाद अभी तक यह लाइट अंधेरा बंद पड़ा है। इस पे सूद लेने वाला कोई नहीं है, ना ही यहाँ के नगर प्रशासन है, नगर परिषद है, नगर परिषद क्षेत्र में आता है, यहाँ कार्यपालक महोदय हैं वो भी, उनको भी देखना चाहिए इन सब चीज़ों पर, लेकिन यहाँ पर इन सब चीज़ों पर देखने वाला कोई नहीं है। यहाँ के लोकल जो नेता हैं जो भी हैं वो जैसे सभी मुद्दों पर बोलते हैं, हमें नहीं लगता है कि वो एक बार भी इन सब मुद्दों को देखते होंगे। यहाँ पे वो लोकल में जितने भी पार्टियाँ हैं या कुछ पार्टी ऐसी भी हैं जो नेता लोग जो हैं अब बहुत बहुत बड़े बड़े मुद्दों पर बोलेंगे, बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे, लेकिन इन सब चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं है। उन अभी की यहाँ के बनमनखी की राजनीति ऐसी हो गई है, लगता है जैसे कि नेता लोग यहाँ के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे हों और उनके जो है सेल्समैन की तरह बात करते हों। जो यहाँ की मूलभूत सुविधा है और जो यहाँ की जेन्युइन समस्या है इन पे किन्हीं का कोई ध्यान नहीं है, सब अपने अपने रोटी सेकने में लगे हुए हैं। क्या परिचय हुआ? नीरव गुप्ता, बनमनखी, समाज सेवी। जैसा कि आपने देखा कि बनमनखी का बड़ा सा अस्पताल और अस्पताल के बीचों बीच सीना ताने खड़ा है हाई मस्ट लाइट, बावजूद वह जलती नहीं है, रोशनी नहीं है। आपको बता दें कि बनमनखी अस्पताल रेलवे ढाला के करीब होने के कारण थोड़ा शहर से अलग है, सुनसान क्षेत्र पड़ता है, चारों तरफ आबादी है और इस सुनसान जगह पर अगर किसी को रात में इमरजेंसी हो जाए तो आने में भय लगता है, डर लगता है। आखिर क्यों? बिजली विभाग की लापरवाही है या फिर नगर प्रशासन की, जिला प्रशासन की, स्वास्थ्य विभाग की, किसकी कमियां हैं? हाई मास्ट लाइट जब लगाई गई है तो उसकी रोशनी से नहाकर यह अस्पताल निश्चित रूप से चकाचौंध हो जाती है, हर आने जाने वालों के लिए यह सुविधा का केंद्र बनता, लेकिन रात का साया गहराते ही यहाँ झिंगूर की आवाजें आती है, रात का साया गहराते ही यहाँ अपराधी तत्व के, अपराधी मानसिकता के लोगों का जमावड़ा लगता है, क्योंकि अंधेरा है तो सब मुमकिन है। जी हाँ, अंधेरा है तो यहाँ सब मुमकिन है। आपको बता दें कि चिकित्सक, बड़े चिकित्सक साहब आराम फरमाते हैं, जो ड्यूटी पर होते हैं वो खाना पूर्ति करते हैं, और ये सब हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये तो मरीजों की जुबानी है। अक्सर यहां से रेफर होते हैं मरीज और पहुंचते हैं सदर अस्पताल पूर्णिया या फिर निजी अस्पतालों में जाकर अपनी गाढ़ी कमाई गंवा कर स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। आखिर बनमनखी अनुमंडल अस्पताल शोभा की वस्तु क्यों बन रहा है? आपको बता दें कागजों पर स्मार्ट लेबर रूम, अल्ट्रासाउंड की मशीनें, बाइक एम्बुलेंस, एम्बुलेंस और तमाम एक्सरे जैसी तमाम चीजों से सुविधा से ग्रस्त यह बेहद आधुनिक अस्पताल है, लेकिन हकीकत में यहां अभाव है, पेयजल की भी अभाव है। साहब कह देते हैं आरो जल्द लग जाएगा, पानी की सुविधा मिल जाएगी। शौचालय के अभाव है, टूटी टूटी हुई है तो कभी टूटी के लिए बता देने पर बताया जाता है कि जल्द रिपेयर हो जाएगा, यानी कि परेशानियां जो है अस्पताल से जाने का नाम ही नहीं लेती। आप परेशानियों से घिर कर आते हैं अस्पताल, लेकिन अस्पताल खुद परेशानियों से घिरा पड़ा है, तो ऐसे में या तो रेफर होइए निजी अस्पतालों के लिए या सदर अस्पताल पूर्णिया के लिए। हाई मास्ट लाइट जलना चाहिए, रोशनी से आम लोगों को सुविधा मिलना चाहिए। यही नहीं, हाई मास्ट लाइट के अलावा बाइक एम्बुलेंस को भी सड़कों पर दौड़ते दिखना भी चाहिए। आपको बता दें कि यहां इलाज होना चाहिए, सबसे बड़ी बात इलाज होना चाहिए, रेफर टू सदर हॉस्पिटल यह कहानी कब तक और क्यों? यहां अस्पताल में पर्याप्त इलाज होना चाहिए, लेबर रूम में जो सुविधाएं हैं उसे मुहैया कराते हुए यहां पर्याप्त लेबर रूम का लोगों को, ग्रामीणों को फायदा भी मिलना चाहिए। मिल रही है, हम ये नहीं कहते नहीं मिल रही है, मिल रही है, लेकिन वो ढाक के तीन बात है या ऊंट के मुंह में जीरा की कहावत को चरितार्थ करती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बनमनखी अस्पताल पर हमने आपको बता दिया है, और जाते जाते एक और खबर आपको दे दें कि बनमनखी से अब जल्द ही अमृतसर के लिए और
विभिन्न लखनऊ के लिए, विभिन्न जगहों के लिए लंबी दूरी की ट्रेन आरंभ हो रही है। 1 अगस्त से आपको ट्रेन सेवा अमृतसर जाने और अमृतसर के रास्ते यहाँ यानी बनमनखी आने के लिए आपको जल्द ही यह सेवा 1 अगस्त से आरंभ हो रही है। तो यह बनमनखी वासियों के लिए बेहद खुशखबरी खबर है। शुभकामनाओं के साथ श्रावण के इस महीने में आपको ढेरों शुभकामनाएं, और चलते चलते फिर कहेंगे कि सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, आखिर आपकी आवाज बनकर हम अगर कुछ कह पा रहे हैं तो वह आपकी ही बदौलत है, और आपका सब्सक्राइब करना बेहद जरूरी।